बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जीपीएससी इंग्लिश प्रिपरेशन एंड इंडियन इंग्लिश एजुकेटर जॉब्स प्रिपरेशन के हवाले से आज लेक्चर नंबर 5 है। तो ये मोस्टली जो क्वेश्चन हैं ये प्रोज इंग्लिश प्रोज से दिए गए हैं, तो आज इनको हल करते हैं। एसेज जो जिन राइटर्स ने लिखे हैं ये उन से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रांसिस बैकन डाइड इन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये कमोबेश हर पेपर के अंदर है। 1626। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड बैकन बोरो द कंसेप्शन ऑफ द एसे फ्रॉम, बैकन ने जो एसे लिखने का आइडिया था वो कहाँ से लिया था। फ्रेंच मोंटेग्ने, फ्रेंच मोंटेग्ने जो है ये एक फ्रेंच राइटर था, इसके बारे में पिछली वीडियोस के अंदर इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, आप उधर से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बैकन इज अ टिपिकल, बैकन है रेनेसंस में नशाते सानने का आदमी, बैकन जो है वो नशाते सानने जो है रेनेसंस का दूर है उस करता मैन है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैन काइंड, फ्रांसिस बैकन, फ्रांसिस बैकन के बारे में जो है तो वो जलील तरीन और जलील तरीन इंसान के हिसाब से जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, द टेल ऑफ टब इज टाइप ऑफ चर्च, द टेल ऑफ टब इज ऑल्सो रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट ने द टेल ऑफ टब को लिखा है, ये चर्च के ऊपर एक स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 6, गुलीवर ट्रेवल्स वाज पब्लिश्ड इन, गुलीवर ट्रेवल जो बुक है वो कब पब्लिश हुई, 1726 के अंदर ये पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन लिबर्टी इज ए ट्रीटाइज ऑफ, ऑन लिबर्टी जो है ये ट्रीटाइज किसका है, टी एस मिल, टी एस मिल ने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, मॉडर्न सेंटर वाज रिटन बाय रुस्किन, मॉडर्न सेंटर जो है वो किसने लिखा, रुस्किन ने इसको लिखा है। इनसाइड द वेल शूटिंग एन एलिफेंट, मछली के अंदर जो शूटिंग और एन एलिफेंट एक हाथी, क्रिटिकल एसेज आर रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल ने इसको लिखा है, ये एसेज है। क्वेश्चन नंबर 10, फुल नेम ऑफ रसल, ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, काफी एग्जाम के अंदर ये रिपीट होता है। द फुल नेम ऑफ रसल इज बर्ट्रेंड आर्थर विलियम रसल। क्वेश्चन नंबर 10, रसल वाज एसेंशियली ए स्केप्टिक, रसल जो एक लाजमी तौर पर कहा जाता था एक स्केप्टिक था। क्वेश्चन नंबर 12, गुलीवर ट्रैवल ऑफन लीव्स, गुलीवर ट्रैवल जो है वो किसके साथ, कौन से मंदिर के साथ, कौन से सीन के साथ ओपन होता है, तो ये लेटर के साथ, यानी कि लेटर होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 13, जोनाथन स्विफ्ट वाज बॉर्न इन ड्यूबलिन, जोनाथन स्विफ्ट ड्यूबलिन के अंदर पैदा हुआ था, इसके बारे में भी मैं इंट्रोडक्शन तो इसी वीडियो से भेजता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, बैकन वाज अक्यूज्ड ऑफ ब्राइब इन, बैकन के ऊपर रिश्वत का इल्जाम कब लगा था, 1621 एंड बैकन वाज ट्राइड इन 1626, ये दो क्वेश्चन लाजमी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 15, चार्ल्स लैम स्टार्टेड हिज करियर एज, चार्ल्स लैम जो था उसने अपना करियर शुरू किया की हैसियत से पोएट, ये थे आज के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको